लखनऊ कैंट में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं उद्घाटन करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ कैंट में 3 दिवसीय ये फेस्टिवल है, नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तो 3 दिनों तक नो योर आर्मी फेस्टिवल चलेगा। सैन्य उपकरण और हथियारों की प्रदर्शनी भी यहां पर की जाएगी। तो देख सकते हैं इस फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है दोनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं। 3 दिनों तक नो योर आर्मी फेस्टिवल चलेगा। तो सैन्य उपकरण और हथियारों की प्रदर्शनी भी यहां पर की जाएगी। तो 3 दिनों तक ये पूरा फेस्टिवल यहाँ पर चलने वाला है और नो योर आर्मी फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा, जहाँ पर सैन्य उपकरणों और हथियारों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। लखनऊ कैंट में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। उड़ान के बहुत बहुत आभार श्रीमान। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी फेस्टिवल की, जहां पर सैन्य उपकरण और हथियारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भारत का अद्भुत प्रतिबिंब है। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व करते भारतीय सैनिक अनेकता में एकता की अद्भुत मिसाल है। सैन्य अनुशासन के अटूट धागे से बंधे, सैन्य धर्म के आदर्शों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध, मां से पहले मातृभूमि, स्वयं से पहले राष्ट्र, विजय या वीरगति। हमारे जांबाज आधुनिक हथियारों में निपुण होने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र की प्राचीन युद्ध शैलियों में भी पारंगत हैं। ऐसी एक युद्ध शैली है गतका, और इसी अद्भुत कला का प्रदर्शन आपके समक्ष 2 सिखलाई के योद्धाओं द्वारा। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह और उनकी बहादुर टीम का।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में वन क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान को रोकने गई वन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने वन विभाग की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हमले में वन दारोगा और वन रक्षक घायल हो गए। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि खांदोली क्षेत्र के टेढ़ी बगिया के जंगलों में कुछ लोग अवैध रूप से हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। सूचना के बाद पहुंची टीम ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। तभी उसके साथियों और कुछ महिलाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में देर रात तीन झुग्गियों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो बुरी तरह से झुलस गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि रात में ठंड से बचने के लिए एक झुग्गी में मौजूद लोग आग ताप रहे थे। तभी अचानक से आग की चिंगारियों ने एक झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई और तीन झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते आग को और आगे बढ़ने से रोक लिया गया। इतना ही नहीं, इससे बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ पर करीब 50 से ज्यादा झुग्गियां हैं। घटना ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके की है। सारा काम हो चुका है। और